हल्द्वानी के काठ गोदाम से 13 मई को शुरू हुई आदि कैलाश यात्रा अब 3 जुलाई को समाप्त होने जा रही है। इस वर्ष 15 दलों के 606 श्रद्धालु कैलाश यात्रा में शामिल हुए। आदि कैलाश यात्रा कराने वाले कुमाऊं मंडल विकास निगम के महाप्रबंधक विजय नाथ शुक्ला ने बताया कि देश के कई राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने इस वर्ष अपनी यात्रा की है और यात्रा बेहद ही सकुशल और शांतिपूर्ण रही। हल्द्वानी के काठ गोदाम से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी, जिसमें श्रद्धालुओं ने आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन किए। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने भी यात्रा के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की थी। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह रुकने और खाने के साथ ही स्वास्थ्य कैंप भी लगाए गए थे, जिसका श्रद्धालुओं ने लाभ उठाया और अब इस यात्रा का सफलतापूर्वक समापन होने जा रहा है। देखिए, आदि कैलाश यात्रा इस वर्ष की हमारी KMBN के सौजन्य से जो संचालित की जाती है, वो 13 मई को शुरू हो चुकी है और अभी तक कुल 393 लोग यात्रा पे जा चुके हैं। कुल 606 लोग यात्रा हित रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 15वां दल हमारा अंतिम, जिनको 15 दलों में विभाजित किया गया है, और 15वां और अंतिम दल हमारा जो है 24 जून को प्रस्थान करेगा और जिसको एक सप्ताह के बाद लौट के आ जाएगा, जिसके पश्चात हमारी यात्रा इस सीजन की समाप्त मानी जाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।